अंदर अपनी चोट लेके डाला जा रहा है। आप मतदाता हैं? बड़े गांव के प्रधान हैं। वो खड़े होकर देख रही है इसमें कौन डाल रहा है, क्या कर रहा है, और वो फिर पर्ची देख रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनावों में धांधली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, जैसा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की मोदी योगी सरकार बन चुकी है, लेकिन फिर भी मोदी योगी सरकार अभी बौखला रही है और हार के डर से क्या कुछ कर रही है उसका एक वीडियो अखिलेश यादव ने जारी कर योगी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। क्या है वो वीडियो, हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे किस तरीके से इस वीडियो ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों की पोल पट्टी खोलने का काम किया है। खबर के अंत तक बने रहिए, हर जानकारी आपको दी जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में MLC यानी कि विधान परिषद के चुनाव चल रहे हैं। इसमें 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ विधानसभा चुनावों में आरोप लग रहा था कि EVM में धांधली की गई है, EVM में चोरी की गई है, तो वहीं अब विधान परिषद के चुनावों में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बैलेट पेपर में भी धांधली, चोरी और गुंडागर्दी की जा रही है। वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। और मेरे बाद हमारी वो जो पर्ची है वो पर्ची लेकर के कहें कि देखो देखिए, हमें नहीं देखने देंगे, हम अपने सब डालेंगे। देखिए कौन डाल रहा है, कौन डाल रहा है वोट आपका? कोई नहीं डाल रहे हैं, अभी भी डाल रहे हैं। प्रशासन, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन नहीं कहा आपने? आप मतदाता हैं? बड़े गांव के प्रधान हैं। क्या नाम है अपना? पर्चा बताओ। शशि यादव। अच्छा, आपका वोट कोई दूसरा डाल रहा है? नहीं, मुझसे मांगी, मुझसे मांगी कि दीजिए हम डालेंगे, यहाँ डालने के लिए मैं लगी। तो बोली क्यों, आप सरकारी कर्मचारी है या कि? बोलती नहीं मैं लगी हूँ डालने के लिए। हमारा भी वोट हमारे साथ ही नहीं है, डालने के बाद जब हम पर्ची लेके बस में डालने जा रहे हैं तो एक आदमी है वो हमारा लेके पर्ची देख रहा है कि तुम किसके पे डाली हो। फिर पर्ची देख के बोले तुम शशवेंद्र की वाइफ हो? मैं बोली हाँ। बोलते ठीक है जाओ, उनको देखने का भी नहीं है। तो वीडियो में आप समझ सकते हैं, वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जो वोटिंग का प्रोसेस है बेहद संवेदनशील प्रोसेस है, उसका किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है आप वीडियो में के जरिए समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दो महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। एक महिला कहती है कि मैं वोट डालने गई तो मुझे नहीं डालने दिया गया, और एक वहां पर महिला मौजूद थी, दूसरी उसने डाल दिया। एक दूसरी महिला प्रधान है वो आती है, कहती है कि जब मैं वोट डालने गई तो मेरी पर्ची चेक की गई कि ये देखा गया कि मैं किसको वोट डाल रही हूँ, किसको वोट नहीं डाल रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको उस पर्ची को छूना तक नहीं चाहिए। लेकिन इस तरीके से बैलेट पेपर में जो चुनाव हो रहा है उसमें भी धांधली की जा रही है, ये वीडियो सामने आया है और ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हर बार की तरह इस बार भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है चुनावों में। बता दें कि MLC के जो चुनाव होते हैं उसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, वोट करते वो हैं जो कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और जनता के प्रतिनिधि किस पर वोट करते हैं? बैलेट पेपर पर वोट करते हैं। चुनाव चिन्ह के नाम पर वोट नहीं होता है, जो प्रतिनिधि होते हैं उनके नाम पर वोट होता है, मोहर लगाकर पर्ची बैलेट पेपर में डाली जाती है। तो आरोप लग रहा है इस वीडियो में जो पर्ची डालने गई थी उनकी पर्ची पहले ही देखी जा रही थी, किस पर उन्होंने मोहर लगाई है, किस पर साइन किया है, क्या कुछ किया है, सब कुछ देख रही है एक महिला, और वो भी निगरानी कर रही है कहाँ पर, जहाँ पर पोलिंग बूथ है। तो आप समझ जाइए क्या कुछ हो रहा है विधान परिषद के चुनाव में उत्तर प्रदेश में। आपको आगे भी वीडियो दिखा देते हैं, आगे वीडियो देखिए कि किस तरीके से जब महिला और महिला का परिवार, जो महिला प्रधान है वो और उनका परिवार जब बवाल खड़ा करता है तो किस तरीके से अधिकारी आकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। देखिए वीडियो। आप लोग को अंदर जाकर ये सब देखना चाहिए, आप लोग वो सब कुछ ही वो पीने वाले पर्ची क्यों?
पीने वाले क्यों? आप अपना नहीं डालने दिए और मेरा जो है ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम यही बतलाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दूसरे कोई वोट को कौन क्यों डालने वाला है? कौन है? मेरा भी डाल दूंगी। अगर ऐसा हो रहा है खड़े होकर देख रही है इसमें कौन डाल रहा है, क्या कर रहा है और वो फिर पर्ची देख रहे हैं। वहाँ से अंदर से सबको निकलवाइए। वो प्रधान के मैंने खुद को भी डाली, मेरा भी डाल रही थी। हाँ सर, शिकायत अंदर लाल साड़ी पहन के दिखाइए। वो सर सदात में धाधली का काम ही हो रहा है, धाधली हो रही है, बहुत धाधली हो रही है। यहाँ पे जबरदस्ती वोट डलवाया जा रहा है, अंदर बैठा। यहाँ पे जबरदस्ती वोट डालने की शिकायत मिल रही है। वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, दबंगई की जा रही है, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। जहां लगातार विधानसभा चुनावों में आरोप लगे थे तो अब विधान परिषद चुनावों में का भी यही हाल है, ये इस वीडियो से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को जारी कर लिखा गया है कि लोकतंत्र को अपने सत्ता के डबल इंजन से कुचल रही बीजेपी, एमएलसी चुनाव मतदान में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और पुलिस प्रशासन इसमें सहयोगी बने हैं। गाजीपुर के सादात ब्लॉक के पोलिंग सेंटर वोट नहीं करने दे रहे हैं और दबंग फर्जी वोट डाल रहे हैं। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे चुनाव आयोग। ये जो ट्वीट है ये मिलता जुलता है पिछले कुछ दिनों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान भी लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर रही थी, लगातार ट्वीट कर रही थी और अब विधान परिषद चुनावों में भी इसी तरीके का ट्वीट कर रही है कि कृपया संज्ञान लगे ले, कृपया निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित कराए, चुनाव आयोग संज्ञान ले, कार्रवाई करे। इसी विधानसभा चुनाव में किए गए थे और अब विधान परिषद का चुनावों का भी यही हाल हो चुका है। तो क्या अब जो चुनाव है वो निष्पक्ष कराने की जो मांग की जाती है वो एक कल्पना मात्र हो चुकी है? ये जो उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र के चलते जो सब कुछ जिंदा है, हमारा भारत देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, खुलेआम हत्या की जा रही है। विधानसभा चुनावों में भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि कहीं पर ईवीएम में चोरी हो रही है, कहीं पर हैकिंग हो रही है, कहीं पर कमल का बटन दबाने पर साइकिल की पर्ची गिर रही है, तो कहीं पर साइकिल का बटन दबाने पर कमल की पर्ची गिर रही है, कहीं पर ईवीएम में साइकिल का ही बटन नहीं है। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही थी और इन खबरों पर किसी तरीके का कोई बयान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया। उसी तरीके से अब विधान परिषद चुनाव में भी ये वीडियो सामने आया है। आपको क्या लगता है, इस पर चुनाव आयोग संज्ञान लेगा या फिर क्या कोई कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है कि जो लोकतंत्र है उसकी हत्या की जा रही है? इस खबर की पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जो सवाल किए हैं उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।